नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। आज हम बात करेंगे सर्न के बारे में। सर्न स्विट्जरलैंड के जिनीवा में स्थित है। 1954 में यूरोप के 11 देशों ने मिलकर इसे बनाया था। इसे द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है। सर्न में दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट और इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। सी लेवल से 100 मीटर जमीन के नीचे 27 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई और उसमें 21 मीटर ऊंचा एक चैम्बर बनाया गया है। सर्न की लैब में कई एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। इंटरनेट में www का हम जो इस्तेमाल करते हैं वो www यानी वर्ल्ड वाइड वेब सर्न में ही पैदा हुआ है। इसके अलावा MRI, सीटी स्कैन सर्न ने ही खोजा है। सर्न दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन पार्टिकल के कोलाइडर की वजह से भी फेमस है, जिसे लार्ज हेड्रन कोलाइडर या LHC भी कहा जाता है। इस लार्ज कोलाइडर का गोल एरिया लगभग 27 किलोमीटर लंबा है। इसमें प्रोटॉन को स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से गुजार कर आपस में टकराया जाता है और उसके रिजल्ट को स्टडी किया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट से ये लोग जानना चाहते हैं कि दुनिया कैसे बनी। साइंस रिलीजियस बिलीव्स पर यकीन नहीं करता, उसे तो प्रूफ चाहिए। और इसीलिए इनका मानना है कि दुनिया बिग बैंग के बहुत बड़े धमाके से वजूद में आई। सर्न के कैंपस में नटराज का स्टेच्यू लगाया गया है। नटराज शिवा का एक रूप है। शिवा को हिंदुइज्म में तबाही या डिस्ट्रॉयर का भगवान माना जाता है। साइंस खुदा पर यकीन नहीं करता तो यहाँ हिंदू गॉड का स्टेच्यू क्यों लगाया गया है? सर्न क्या तबाह करना चाहता है? सर्न का जो लोगो है उसमें 666 साफ नजर आता है। 666 एंटी क्राइस्ट की छाप का नंबर है। सर्न की एक एड में ये लोग कुछ डांस दिखा रहे हैं। ये शिवा का नृत्य दिखा रहे हैं, ये नटराज का दिखा रहे हैं। सर्न के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट का कहना है कि प्रोटॉन के पार्टिकल्स को आपस में टकराने से बिग बैंग फिर से क्रिएट कराया जा सकता है, जिससे नई दुनिया में जाने का दरवाजा खुल जाएगा, जिसे साइंस की दुनिया में पैरेलल यूनिवर्स कहा जाता है। इनका मानना है कि इस एक्सपेरिमेंट से ऐसा कुछ हासिल हो सकता है जो दिखाई न दे, सिर्फ महसूस किया जा सके। मेरे ख्याल से ये लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड को तलाश कर रहे हैं। ये लोग मानते हैं कि ये धमाके से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने का रास्ता खुल जाएगा। फिजिकल वर्ल्ड देखा जा सकता है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड महसूस किया जा सकता है। यहाँ एक पॉइंट ये भी है कि साइंस स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर यकीन नहीं करता तो यहाँ ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड को क्यों तलाशते हैं? हाल ही में हंगेरी और यूक्रेन के पास सर्न का एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसका नाम था सर्न अवेक एक्सपेरिमेंट, जिसमें अजीबोगरीब किस्म की बिजली और बादल देखे गए हैं। लोगों में खौफ का माहौल देखा गया है। अवेक का मतलब है जागो। सर्न किसको जगाना चाहता है? क्या ये शैतानी ताकतों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं? माना जाता है कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर जहां सर्न का लार्ज हेड्रन कोलाइडर जो कि 27 किलोमीटर के दायरे में है, वहां प्राचीन काल में एपोलियन का मंदिर हुआ करता था। बाइबल में रेवोल्यूशन 9:1-11 में बताया गया है कि अथह कुंड के द्वार को खोला गया और उसमें से बहुत सारा अग्नि का धुआं निकला, यानी ये हेल की बात हो रही है, और उसमें से शैतान का दूत निकला जिसका नाम एपोलियन था। एपोलियन का मतलब होता है विनाशक, डिस्ट्रॉयर। और सर्न के कैंपस में शिवा का जो स्टेच्यू लगाया गया है वो भी विनाशक का खुदा माना जाता है। बाइबल के विद्वानों का मानना है कि सर्न के साइंटिस्ट ये एक्सपेरिमेंट करके अथह कुंड के द्वार को खोलना चाहते हैं और शैतान के दूत को आजाद करना चाहते हैं। इनका मानना है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस रहा तो दूसरी दुनिया यानी हेल में जाने का द्वार खुल जाएगा और वो लोग उसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड मानते हैं। सर्न की बिल्डिंग के कैंपस में बहुत बड़ी नटराज की मूर्ति रखी गई है और उसके सामने ह्यूमन सेक्रीफाइस का रिचुअल देखा गया है। ये वीडियो किसी ने चुपके से ले ली है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कुछ लोग जो कि माना जाता है कि सर्न के साइंटिस्ट हैं, काले बुरखे में नटराज की मूर्ति के सामने एक सर्कल बनाकर खड़े हैं और बीच में एक लड़की को लाया जाता है और उसे वहां लेटाकर नटराज की मूर्ति के सामने ब्लड सेक्रीफाइस करता है। इस वीडियो के बारे में सर्न के अहदेदारों से पूछा गया कि नटराज की मूर्ति के सामने इंसानी बलि क्यों चढ़ाई रही है, क्या ये ह्यूमन सेक्रीफाइस है, क्या ये शैतानी रिचुअल है? तो उन्होंने बताया कि ये सिर्फ नाटकीय मजाक है, ये मस्ती के दौर पे बनाई गई फिल्म है और इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है कि दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी जहां चुस्त सिक्योरिटी होती है, कोई भी इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकता, तो यहां ये रात के अंधेरों में होना सोचने वाली बात है। और अगर किसी ने ये प्रैंक किया है तो इसकी तहकीकात क्यों नहीं हुई? ये लोग कौन है, क्यों इसकी तलाश नहीं हुई?
स्टीफन हॉकिंस जो कि दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था, उसने LHC यानी लार्ज हेड्रन कोलाइडर को देखकर कहा था कि ये गॉड पार्टिकल है और इससे इंसानियत को खतरा है क्योंकि ये हाइड्रोजन के पार्टिकल्स को लाइट की रफ्तार से आपस में टकराता है तो इससे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी पैदा होती है जिससे डिस्टर्बेंस पैदा होता है और इसी से दुनिया को खतरा है, दुनिया तबाह हो सकती है। अभी कुछ साल पहले की बात है, स्विट्जरलैंड में कॉट हार्ड टनल की ओपनिंग सेरेमनी में शैतान की पूजा पूरी दुनिया के सामने की गई थी। सर्न में भी कुछ न कुछ जरूर चल रहा है जो कोई नहीं जानता। सर्न ये जो कर रहा है उसका रिजल्ट क्या आएगा वो खुद ही नहीं जानता। ये लोग दुनिया की उत्पत्ति का राज ढूंढ रहे हैं। साइंस का मानना है कि इंसान को खुदा ने नहीं बनाया बल्कि बंदरों से इंसान बने हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि सर्न अपने एक्सपेरिमेंट से शैतान को कैद से आजाद कर रहा है। कुछ का मानना है कि ये अथागढ़ के दरवाजे को खोल रहे हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये लोग ब्लैक ग्लू के जैसी कोई चीज बनाना चाहते हैं जो एक प्रोग्रामेबल मैटर हो। प्रोग्रामेबल या ट्रांसफरेबल मैटर ट्रांसफॉर्मर की एक मूवी में दिखाया गया है जहां विलन एक प्रोग्रामेबल मैटर को लेकर एक बॉल बनाता है, फिर उसी से एक स्पीकर बनाता है और एक ही सेकंड में उसको गन में तब्दील कर देता है। वेरिजोन कमर्शियल में ड्रॉइड DNA हाइपर मोबाइल एड में दिखाया गया है कि HTC फोन इंसान के दिल के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। एड में इंसान के हाथ के अंदर ब्लैक ग्लू जैसा कुछ इंजेक्ट किया जाता है और फिर वो ब्लैक चीज ब्लड में चली जाती है और इंसान के DNA पर चढ़ जाता है। DNA इंसान की नस्ल से ताल्लुक रखता है। इन शैतान के पुजारियों का मकसद इंसान को हेवन बनाना है। शैतान यही चाहता है कि इंसान हेवन बने और बर्बाद हो जाए। HTC एड में फिर वो इंसान बहुत दर्द महसूस करता है और वह उस ब्लैक सी चीज के कब्जे में आ जाता है और मोबाइल का लॉक खुल जाता है। ये ब्लैक ग्लू जैसा जो मैटर है उसे स्पाइडरमैन 3 में भी देखा जा सकता है। यहाँ ब्लैक कलर का कुछ होता है जो स्पाइडरमैन पर चढ़ जाता है और स्पाइडरमैन जो अच्छा था, अच्छे काम करता था, वो चेंज होकर बैड स्पाइडरमैन बन जाता है जो लोगों को नुकसान पहुंचाता है। और भी कई मूवीज और एड में आपने पहले ये चीज देखी होगी जो अलग दुनिया से आती है और इंसानों पर चढ़ जाती है और इंसान को बुरा बना देती है जो कि शैतान को शो करता है। दोस्तों, सन नहीं जानता वो क्या कर रहा है, उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। ये लोग खुदा को नहीं मानते। इस जहान का खुदा शैतान है क्योंकि हमारे खुदा ने शैतान को आसमान से गिरा दिया है। बाइबल में लिखा है कि इस जहान के खुदा ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है, वो नहीं देख सकते कि क्या गलत है और क्या सही है। इल्यूमिनाटी की तरफ से इंसानों की माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है, इंसानों की सोच को बदलने की कोशिश की जा रही है ताकि वो सही और गलत में फर्क न कर सके। ऐसे एक्सपेरिमेंट से कोई दूसरी दुनिया में नहीं जा सकता। ये दुनिया हमारे खुदा ने अपने हाथों से बनाई है। कोई बिग बैंग जैसे धमाके से ये दुनिया वजूद में नहीं आई। अब हमें यकीन हो चला है कि हम आखिर के दिनों में है, लेकिन ऐसी चीजों से घबराए नहीं क्योंकि सच्चा खुदा हमारे साथ है। तो दोस्तों, ये तो थी सन की हकीकत। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप इस हकीकत को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स तक जरूर पहुंचाएं ताकि ये शैतान के पुजारियों को पहचान सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब करें। और अब मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।